कैसे करें अपने लिविंग रूम का मेकओवर, आइए जानते हैं। रूम के साइज, डेकोर या कॉन्सेप्ट से मेल खाता फर्नीचर चुनें। फर्नीचर ट्रेंडी, फंक्शनल और प्रैक्टिकल होना चाहिए। फर्नीचर की क्वालिटी के साथ कभी भी समझौता ना करें। यदि आपको घर सजाने या डेकोर के लिए कलर कॉम्बिनेशन की ज़्यादा समझ ना हो या फिर आप घर में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहती हैं, तो एवरग्रीन ब्लैक एंड वाइट का थीम चुनें। अगर कुछ अलग करना चाहती हैं तो इस कॉम्बिनेशन के साथ रेड या फिर कोई भी ब्राइट शेड इसमें शामिल कर सकते हैं। ये थीम कमरे को रिच, रॉयल, क्लासी लुक देता है। यदि फर्नीचर भी एक ही कलर का है तो कमरे की सिर्फ एक दीवार को अलग थीम देकर उसे न्यू लुक दिया जा सकता है। घर को फ्रेश और ब्राइट लुक देने के लिए व्हाइट कलर का पेंट परफेक्ट ऑप्शन है। इसका दूसरा फायदा ये है कि व्हाइट कलर के साथ कोई भी कलर मैच हो जाता है। इसके लिए आपको फर्नीचर का चुनाव करते समय यह बहुत ज़्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं पड़ती है। घर के न्यू लुक आइडियाज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। कैसे करें अपने लिविंग रूम का मेकओवर, आइए जानते हैं। रूम के साइज, डेकोर या कॉन्सेप्ट से मेल खाता फर्नीचर चुनें। फर्नीचर ट्रेंडी, फंक्शनल और प्रैक्टिकल होना चाहिए। फर्नीचर की क्वालिटी के साथ कभी भी समझौता ना करें। यदि आपको घर सजाने या डेकोर के लिए कलर कॉम्बिनेशन की ज़्यादा समझ ना हो या फिर आप घर में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहती हैं, तो एवरग्रीन ब्लैक एंड वाइट का थीम चुनें। अगर कुछ अलग करना चाहती हैं तो इस कॉम्बिनेशन के साथ रेड या फिर कोई भी ब्राइट शेड इसमें शामिल कर सकते हैं। ये थीम कमरे को रिच, रॉयल, क्लासी लुक देता है। यदि फर्नीचर भी एक ही कलर का है तो कमरे की सिर्फ एक दीवार को अलग थीम देकर उसे न्यू लुक दिया जा सकता है। घर को फ्रेश और ब्राइट लुक देने के लिए व्हाइट कलर का पेंट परफेक्ट ऑप्शन है। इसका दूसरा फायदा ये है कि व्हाइट कलर के साथ कोई भी कलर मैच हो जाता है। इसके लिए आपको फर्नीचर का चुनाव करते समय यह बहुत ज़्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं पड़ती है। घर के न्यू लुक आइडियाज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आइए जानते हैं कैसा हो हमारा घर वास्तु के अनुसार। घर के सेंटर में कभी भी ज़्यादा फर्नीचर नहीं रखने चाहिए। ज़्यादा फर्नीचर घर में एनर्जी का फ्लो रोकता है। एनर्जी का ठहराव स्वास्थ्य पर असर डालता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के सेंटर में ओवरहेड बीम नहीं होनी चाहिए। हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए जहाँ पर हम रोज डेली लाइफ में उठते बैठते या लेटते आराम करते हैं, उसके जस्ट ऊपर कोई भी बीम नहीं आनी चाहिए। घर में फायर एलिमेंट का भी वास्तु सही होना चाहिए। अगर आपका घर साउथ फेसिंग है या घर में स्लोप जो है आपके घर का वो साउथ की दिशा में है या घर का जनरेटर रूम जो है वो नॉर्थ ईस्ट दिशा में है, इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। घर के ब्रह्म स्थान पर रेकी क्रिस्टल रखना चाहिए। ये हमारे घर में आने वाले हर नेगेटिव एनर्जी को हमारे घर से दूर रखता है। रेकी क्रिस्टल हम ऑनलाइन भी ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। वास्तु से संबंधित और भी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। घर की छत पर वाटरप्रूफिंग कैसे करें? सबसे पहले घर की छत पर जमी जंग और काई को बहुत अच्छे से साफ कर धूल निकाल दें। हैंड ग्राइंडर के उपयोग से सारी सतह को चिकनी बनाएं और वाटर जेट से सतह को साफ करें। छत सूखने पर जितने भी क्रैक हों भरें और छत को अच्छे से सुखाएं। उसके बाद URP और सीमेंट को बराबर मात्रा में लें और घर की छत पर एंगल फिलेट बनाएं और अच्छे से रूफ सील बनाएं। घर की छत पर लगभग 2 स्क्वायर मीटर के बॉक्स बना लें और सतह पर हल्का पानी का छिड़काव कर लें। फिर रूफ सील की पहली परत लगाएं और याद रखें 2 स्क्वायर मीटर में 1.5 लीटर घोल का उपयोग करें। घोल को एक ही डायरेक्शन में लगाएं। उसके बाद 12 घंटे तक इसे सुखाएं और इसके बाद इसी दिशा में दूसरा घोल लगाएं और 48 घंटे तक इसे सूखने दें। इसी प्रकार इसके 3 से 4 कोट लगाने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार की और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। हम सभी चाहते हैं कि हमारा घर खूबसूरत दिखे, जिसके लिए हम अपने घर में बहुत तरह के खूबसूरत पौधे लगाते हैं। एक पौधा ऐसा भी होता है जो ना सिर्फ आपके घर की सुंदरता बढ़ाता है बल्कि आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार लाता है, और वो पौधा है मनी प्लांट। मनी प्लांट के पौधे को घर पर लगाने के भी कुछ नियम है हमारे वास्तु में, जिससे कि हम घर से नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। वास्तु के अनुसार मनी प्लांट के पौधे को घर के अग्नेय कोण में लगाना सबसे उचित माना जाता है। इस दिशा में ये पौधा लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा यानी कि पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है और आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है।
मनी प्लांट को हमेशा साउथ ईस्ट जोन में रखना शुभ माना जाता है। मनी प्लांट को कभी भी नॉर्थ ईस्ट दिशा में नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक यानी कि नेगेटिव इफेक्ट। वास्तु के अनुसार कहा जाता है, मनी प्लांट की बेल अगर जमीन छूने लगे तो ये अशुभ संकेत है। जमीन पर छूती हुई पत्तियां सुख समृद्धि में रुकावट लाती हैं। इसलिए मनी प्लांट की बेल को ऊपर चढ़ाकर लगाना बेहतर होता है। मनी प्लांट को किसी भी रस्सी या डंडे की मदद से ऊपर की तरफ बांध दें। ऐसा करने से आपका मान सम्मान बढ़ेगा और पैसे में वृद्धि होगी। मनी प्लांट की पत्तियां सूखने पर तुरंत हटा देना चाहिए। माना जाता है कभी भी रविवार को इस पौधे में जल नहीं देना चाहिए। मनी प्लांट के लिए इस वास्तु टिप्स को जरूर अपनाएं। वास्तु से संबंधित और भी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आज मैं सबसे पहले आपको यह बताऊंगी कि घर की दिशा का पता कैसे लगाते हैं। जिस सड़क से आप घर में प्रवेश करते हैं, अगर वह घर के पश्चिम दिशा में स्थित हो तो आपका घर पश्चिमुखी कहलाता है। और आज मैं आपको बताऊंगी पश्चिमुखी घर के लिए कुछ वास्तु टिप्स। जल की निकासी के लिए ढलान पश्चिम से ईशान यानी कि उत्तर पूर्व की ओर रखें। अगर पानी की निकासी उत्तर, ईशान या पूर्व की ओर रखना संभव नहीं हो तो पहले पानी को बाहर कर ईशान की ओर ले जाएं और फिर उत्तरी दीवार के सहारे पानी को पश्चिम वायव्य से बाहर की ओर निकालने का प्रबंध करें। पश्चिम दिशा को पूर्व उत्तर की अपेक्षा ऊंचा रखने से यश और प्रतिष्ठा में वृद्धि तथा धन की आवक होती है। पश्चिम की दीवारों की ऊंचाई व चौड़ाई पूर्व की तुलना में अधिक रखें। पश्चिम में अगर खाली स्थान रखना हो तो पूर्व में उससे अधिक क्षेत्रफल में खाली स्थान की व्यवस्था करें। पश्चिम में बगीचा लगाया जा सकता है, हालांकि इस दिशा में यथासंभव भारी और बड़े वृक्ष लगाना श्रेयस्कर रहेगा। किचन के लिए अग्नेय कोण व वायव्य कोण सबसे उपयुक्त दिशा है। पश्चिम बच्चों के बेडरूम या अध्ययन कक्ष के लिए एक बेहतरीन स्थान है। वास्तु से संबंधित और भी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आइए जानते हैं कैसा हो हमारा घर वास्तु के अनुसार। वास्तु के अनुसार एक आदर्श मकान का मेन गेट सिर्फ पूर्व या उत्तर दिशा में ही होना चाहिए। वहीं आपके घर का ढलान पूर्व उत्तर या फिर पूर्वी उत्तर यानी कि ईशान कोण की ओर होना शुभ माना गया है। इस तरह वास्तु के अनुसार घर के कमरे, हॉल, किचन, बाथरूम और बेडरूम का एक खास दिशा में होना ही चाहिए। पूर्व दिशा। पूर्व दिशा सूर्योदय की दिशा है। इस दिशा से सकारात्मक व ऊर्जावान किरणें हमारे घर में प्रवेश करती हैं। हम इस दिशा में खिड़कियां भी लगा सकते हैं। पश्चिम दिशा। आपका रसोई घर या फिर टॉयलेट इस दिशा में होना चाहिए। रसोई घर और टॉयलेट पास पास में ना हो, इस बात का ध्यान रखें। उत्तर दिशा। इस दिशा में घर के सबसे ज्यादा खिड़की और दरवाजे होने चाहिए। घर की बालकनी व वॉश बेसिन भी इसी दिशा में होनी चाहिए। दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में किसी भी प्रकार का खुलापन, शौचालय आदि नहीं होना चाहिए। घर में इस स्थान पर भारी सामान रखें। यदि इस दिशा में द्वार या फिर खिड़कियां हैं तो घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेंगी और ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो जाएगा। उत्तर पूर्व दिशा। इसे ईशान दिशा भी कहते हैं। यह दिशा जल का स्थान है। इस दिशा में बोरिंग, स्विमिंग पूल, पूजा स्थल आदि होना चाहिए। इस दिशा में मेन गेट का होना बहुत ही अच्छा रहता है। उत्तर पश्चिम दिशा। इसे वायव्य कोण भी कहते हैं। इस दिशा में आपका बेडरूम, गैराज, गौशाला आदि होना चाहिए। दक्षिण पूर्व दिशा। इसे घर का अग्नेय कोण कहते हैं। यह अग्नि तत्व की दिशा है। इस दिशा में गैस, वायु, ट्रांसफार्मर आदि होना चाहिए। दक्षिण पश्चिम दिशा। इस दिशा को नैऋत्य कोण कहते हैं। इस दिशा में खुलापन अर्थात खिड़की दरवाजे बिल्कुल ही नहीं होने चाहिए। घर की मुखिया का कमरा यहाँ बना सकते हैं। गैस, काउंटर, मशीनें आदि आप इस दिशा में रख सकते हैं। घर का आंगन। घर में आंगन नहीं है तो घर अधूरा है। घर के आगे और पीछे छोटा ही सही पर आंगन होना चाहिए। आंगन में तुलसी, अनार, जामफल, मीठा या कड़वा नीम, आंवला आदि के अलावा सकारात्मक ऊर्जा देने वाले फूलदार पौधे जरूर लगाएं। वास्तु से संबंधित और भी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आइए जानते हैं कैसा हमारा घर वास्तु के अनुसार।
घर के सेंटर में कभी भी ज़्यादा फर्नीचर नहीं रखने चाहिए। ज़्यादा फर्नीचर घर में एनर्जी का फ्लो रोकता है। एनर्जी का ठहराव स्वास्थ्य पर असर डालता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के सेंटर में ओवरहेड बीम नहीं होनी चाहिए। हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए जहाँ पर हम रोज़ डेली लाइफ में उठते बैठते या लेटते आराम करते हैं उसके जस्ट ऊपर कोई भी बीम नहीं आनी चाहिए। घर में फायर एलिमेंट का भी वास्तु सही होना चाहिए। अगर आपका घर साउथ फेसिंग है या घर में स्लोप जो है आपके घर का वो साउथ की दिशा में है या घर का जनरेटर रूम जो है वो नॉर्थ ईस्ट दिशा में है, इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। घर के ब्रह्म स्थान पर रेकी क्रिस्टल रखना चाहिए। ये हमारे घर में आने वाले हर नेगेटिव एनर्जी को हमारे घर से दूर रखता है। रेकी क्रिस्टल हम ऑनलाइन भी ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। वास्तु से संबंधित और भी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। घर की छत पर वाटरप्रूफिंग कैसे करें? सबसे पहले घर की छत पर जमी जंग और काई को बहुत अच्छे से साफ कर धूल निकाल दें। हैंड ग्राइंडर के उपयोग से सारी सतह को चिकनी बनाएं और वाटर जेट से सतह को साफ करें। छत सूखने पर जितने भी क्रैक हों भरें और छत को अच्छे से सुखाएं। उसके बाद URP और सीमेंट को बराबर मात्रा में लें और घर की छत पर एंगल फिलेट बनाएं और अच्छे से रूफ सील बनाएं। घर की छत पर लगभग 2 स्क्वायर मीटर के बॉक्स बना लें और सतह पर हल्का पानी का छिड़काव कर लें। फिर रूफ सील की पहली परत लगाएं और याद रखें 2 स्क्वायर मीटर में 1.5 लीटर घोल का उपयोग करें। घोल को एक ही डायरेक्शन में लगाएं। उसके बाद 12 घंटे तक इसे सुखाएं और इसके बाद इसी दिशा में दूसरा घोल लगाएं और 48 घंटे तक इसे सूखने दें। इसी प्रकार इसके 3 से 4 कोट लगाने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार की और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। हम सभी चाहते हैं कि हमारा घर खूबसूरत दिखे, जिसके लिए हम अपने घर में बहुत तरह के खूबसूरत पौधे लगाते हैं। एक पौधा ऐसा भी होता है जो ना सिर्फ आपके घर की सुंदरता बढ़ाता है बल्कि आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार लाता है, और वो पौधा है मनी प्लांट। मनी प्लांट के पौधे को घर पर लगाने के भी कुछ नियम है हमारे वास्तु में, जिससे कि हम घर से नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। वास्तु के अनुसार मनी प्लांट के पौधे को घर के अग्नि कोण में लगाना सबसे उचित माना जाता है। इस दिशा में ये पौधा लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा यानी कि पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है और आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। मनी प्लांट को हमेशा साउथ ईस्ट जोन में रखना शुभ माना जाता है। मनी प्लांट को कभी भी नॉर्थ ईस्ट दिशा में नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक यानी कि नेगेटिव इफेक्ट। वास्तु के अनुसार कहा जाता है मनी प्लांट की बेल अगर जमीन छूने लगे तो ये अशुभ संकेत है। जमीन पर छूती हुई पत्तियां सुख समृद्धि में रुकावट लाती हैं, इसलिए मनी प्लांट की बेल को ऊपर चढ़ाकर लगाना बेहतर होता है। मनी प्लांट को किसी भी रस्सी या डंडे की मदद से ऊपर की तरफ बांध दें। ऐसा करने से आपका मान सम्मान बढ़ेगा और पैसे में वृद्धि होगी। मनी प्लांट की पत्तियां सूखने पर तुरंत हटा देना चाहिए। माना जाता है कभी भी रविवार को इस पौधे में जल नहीं देना चाहिए। मनी प्लांट के लिए इस वास्तु टिप्स को जरूर अपनाएं। वास्तु से संबंधित और भी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आज मैं सबसे पहले आपको यह बताऊंगी कि घर की दिशा का पता कैसे लगाते हैं। जिस सड़क से आप घर में प्रवेश करते हैं अगर वह घर के पश्चिम दिशा में स्थित हो तो आपका घर पश्चिम मुखी कहलाता है। और आज मैं आपको बताऊंगी पश्चिम मुखी घर के लिए कुछ वास्तु टिप्स। जल की निकासी के लिए ढलान पश्चिम से ईशान यानी कि उत्तर पूर्व की ओर रखें। अगर पानी की निकासी उत्तर, ईशान या पूर्व की ओर रखना संभव नहीं हो तो पहले पानी को बाहर कर ईशान की ओर ले जाएं और फिर उत्तरी दीवार के सहारे पानी को पश्चिम वायव्य से बाहर की ओर निकालने का प्रबंध करें। पश्चिम दिशा को पूर्व उत्तर की अपेक्षा ऊंचा रखने से यश और प्रतिष्ठा में वृद्धि तथा धन की आवक होती है। पश्चिम की दीवारों की ऊंचाई व चौड़ाई पूर्व की तुलना में अधिक रखें। पश्चिम में अगर खाली स्थान रखना हो तो पूर्व में उससे अधिक क्षेत्रफल में खाली स्थान की व्यवस्था करें। पश्चिम में बगीचा लगाया जा सकता है, हालांकि इस दिशा में यथासंभव भारी और बड़े वृक्ष लगाना श्रेयस्कर रहेगा। किचन के लिए अग्नि कोण व वायव्य कोण सबसे उपयुक्त दिशा है। पश्चिम बच्चों के बेडरूम या अध्ययन कक्ष के लिए एक बेहतरीन स्थान है। वास्तु से संबंधित और भी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।
आइए जानते हैं कैसा हो हमारा घर वास्तु के अनुसार। वास्तु के अनुसार एक आदर्श मकान का मेन गेट सिर्फ पूरब या उत्तर दिशा में ही होना चाहिए। वहीं आपके घर का ढलान पूरब, उत्तर या फिर पूर्वी उत्तर यानी कि ईशान कोण की ओर होना शुभ माना गया है। इस तरह वास्तु के अनुसार घर के कमरे, हॉल, किचन, बाथरूम और बेडरूम का एक खास दिशा में होना ही चाहिए। पूर्व दिशा। पूर्व दिशा सूर्योदय की दिशा है। इस दिशा से सकारात्मक व ऊर्जावान किरणें हमारे घर में प्रवेश करती हैं। हम इस दिशा में खिड़कियां भी लगा सकते हैं। पश्चिम दिशा। आपका रसोई घर या फिर टॉयलेट इस दिशा में होना चाहिए। रसोई घर और टॉयलेट पास पास में ना हो, इस बात का ध्यान रखें। उत्तर दिशा। इस दिशा में घर के सबसे ज्यादा खिड़की और दरवाजे होने चाहिए। घर की बालकनी व वॉश बेसिन भी इसी दिशा में होने चाहिए। दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में किसी भी प्रकार का खुलापन, शौचालय आदि नहीं होना चाहिए। घर में इस स्थान पर भारी सामान रखें। यदि इस दिशा में द्वार या फिर खिड़कियां हैं तो घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेंगी और ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो जाएगा। उत्तर पूर्व दिशा। इसे ईशान दिशा भी कहते हैं। यह दिशा जल का स्थान है। इस दिशा में बोरिंग, स्विमिंग पूल, पूजा स्थल आदि होना चाहिए। इस दिशा में मेन गेट का होना बहुत ही अच्छा रहता है। उत्तर पश्चिम दिशा। इसे वायव्य कोण भी कहते हैं। इस दिशा में आपका बेडरूम, गैराज, गौशाला आदि होना चाहिए। दक्षिण पूर्व दिशा। इसे घर का अग्नि कोण कहते हैं। यह अग्नि तत्व की दिशा है। इस दिशा में गैस, वायु, ट्रांसफार्मर आदि होना चाहिए। दक्षिण पश्चिम दिशा। इस दिशा को नैऋत्य कोण कहते हैं। इस दिशा में खुलापन अर्थात खिड़की दरवाजे बिल्कुल ही नहीं होने चाहिए। घर की मुखिया का कमरा यहाँ बना सकते हैं। गैस काउंटर, मशीनें आदि आप इस दिशा में रख सकते हैं। घर का आंगन। घर में आंगन नहीं है तो घर अधूरा है। घर के आगे और पीछे छोटा ही सही पर आंगन होना चाहिए। आंगन में तुलसी, अनार, जामफल, मीठा या कड़वा नीम, आंवला आदि के अलावा सकारात्मक ऊर्जा देने वाले फूलदार पौधे जरूर लगाएं। वास्तु से संबंधित और भी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आइए जानते हैं कैसा हो हमारा घर वास्तु के अनुसार। वास्तु के अनुसार एक आदर्श मकान का मेन गेट सिर्फ पूरब या उत्तर दिशा में ही होना चाहिए। वहीं आपके घर का ढलान पूरब, उत्तर या फिर पूर्वी उत्तर यानी कि ईशान कोण की ओर होना शुभ माना गया है। इस तरह वास्तु के अनुसार घर के कमरे, हॉल, किचन, बाथरूम और बेडरूम का एक खास दिशा में होना ही चाहिए। पूर्व दिशा। पूर्व दिशा सूर्योदय की दिशा है। इस दिशा से सकारात्मक व ऊर्जावान किरणें हमारे घर में प्रवेश करती हैं। हम इस दिशा में खिड़कियां भी लगा सकते हैं। पश्चिम दिशा। आपका रसोई घर या फिर टॉयलेट इस दिशा में होना चाहिए। रसोई घर और टॉयलेट पास पास में ना हो, इस बात का ध्यान रखें। उत्तर दिशा। इस दिशा में घर के सबसे ज्यादा खिड़की और दरवाजे होने चाहिए। घर की बालकनी व वॉश बेसिन भी इसी दिशा में होने चाहिए। दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में किसी भी प्रकार का खुलापन, शौचालय आदि नहीं होना चाहिए। घर में इस स्थान पर भारी सामान रखें। यदि इस दिशा में द्वार या फिर खिड़कियां हैं तो घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेंगी और ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो जाएगा। उत्तर पूर्व दिशा। इसे ईशान दिशा भी कहते हैं। यह दिशा जल का स्थान है। इस दिशा में बोरिंग, स्विमिंग पूल, पूजा स्थल आदि होना चाहिए। इस दिशा में मेन गेट का होना बहुत ही अच्छा रहता है। उत्तर पश्चिम दिशा। इसे वायव्य कोण भी कहते हैं। इस दिशा में आपका बेडरूम, गैराज, गौशाला आदि होना चाहिए। दक्षिण पूर्व दिशा। इसे घर का अग्नि कोण कहते हैं। यह अग्नि तत्व की दिशा है। इस दिशा में गैस, वायु, ट्रांसफार्मर आदि होना चाहिए। दक्षिण पश्चिम दिशा। इस दिशा को नैऋत्य कोण कहते हैं। इस दिशा में खुलापन अर्थात खिड़की दरवाजे बिल्कुल ही नहीं होने चाहिए। घर की मुखिया का कमरा यहाँ बना सकते हैं। गैस काउंटर, मशीनें आदि आप इस दिशा में रख सकते हैं। घर का आंगन। घर में आंगन नहीं है तो घर अधूरा है। घर के आगे और पीछे छोटा ही सही पर आंगन होना चाहिए। आंगन में तुलसी, अनार, जामफल, मीठा या कड़वा नीम, आंवला आदि के अलावा सकारात्मक ऊर्जा देने वाले फूलदार पौधे जरूर लगाएं।
वास्तु से संबंधित और भी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।